ये है माता का सेवा भवन जो रात को बंद था अभी सुबह खुल गया है। आपको बताते हैं अंदर चली थी। देख सकते हैं ये हमारी गैंग है जो इधर बैठी हुई है माता गौरी की। चला हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं तारा रानी मंदिर और टेढ़ा मंदिर। तो चलो आपको भी लेके चलते हैं। चलो देख सकते हैं हम अभी जा रहे हैं। बोल साचे दरबार की जय। देख सकते हैं हम तारा रानी मंदिर की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं ये है तारा रानी का मंदिर और हम यहाँ से आपको नीचे मंदिर का व्यू बता देते हैं। कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह मंदिर। देख सकते हैं आप और ऊपर जाके बताएंगे। गाइस अभी हम तारा रानी मंदिर पहुंचने वाले हैं। गाइस देख सकते हैं आप हमारे दरबार की जय। हमारे प्यार की जय। जयकारा ज्वाला माता जी दा। बोल साचे दरबार की जय। तो हम गाइस फाइनली तारा रानी मंदिर पहुंच चुके हैं। आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं गाइस ये है माता तारा रानी देवी का मंदिर। आपको अंदर चल के बताते हैं। ये है माता तारा रानी देवी का मंदिर। आप देख सकते हैं आपको मंदिर के आगे पीछे भी घुमा देते हैं। ये हनुमान जी हैं, ये माता संतोषी जी, ये माता शीतला जी और ये है माता श्री माता अन्नपूर्णा जी। अरे ये शिव तारकनाथ जी और ये इनके नंदी। ये माता पार्वती देखते आप। अभी हम इधर आपको ग्रहों की ग्रह भी रखे हुए हैं। ये केतु, ये शनि, ये राहु, मंगल, ये बृहस्पति, ये बुध, वो शुक्र, वो चंद्रमा। देख सकते हैं आप इधर और एक यहाँ पर भी है माता का मूर्ति। और इसके बाद ये तारा रानी मंदिर के साथ में ही ऊपर टेढ़ा मंदिर और भैरव बाबा मंदिर के लिए रास्ता है। यहाँ से टेढ़ा मंदिर 2.5 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर दूर भैरव बाबा मंदिर। आगे चल के आपको बताएंगे। ये तारा देवी माता के मंदिर के आसपास का व्यू है। आप देख सकते हैं सारी पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ। फाइनली गाइस हम टेढ़ा मंदिर के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं काफी सारे बंदे चले हुए हमारे साथ। देख सकते काफी श्रद्धालु आगे हमारे चले हुए हैं। पहले हमें रास्ते में भैरव बाबा मंदिर में माथा टेकेंगे और उसके बाद टेढ़ा मंदिर में जाएंगे और वापस आते समय आपको हम गोरख डिब्बी में भी बताएंगे अगर कैमरा ले जा सकेंगे अंदर, तो नहीं तो बाहर से बता देंगे।
और आपको शिव की गुफा भी बताएंगे जो कि गोरखडीबी के ऊपर है। हम जब इधर से घूम के आएंगे साइड को देख सकते हैं गाइस, अभी हम सड़क के ऊपर पहुंच चुके हैं। जी जी भाई जी, उसके बाद टेढ़ा मंदिर बहुत छूटती है। देख सकते हैं हम कभी के चले हुए हैं और यहाँ के आसपास का व्यू भी आपको बता देते हैं। देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु चले हुए हैं। अभी थोड़ी दूर भैरव बाबा जी का मंदिर है, बस थोड़ी देर बाद पहुँच पालेंगे उधर और उसके बाद टेढ़ा मंदिर जाएंगे। देख सकते हैं गाइस हम भैरव बाबा मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। भैरव मंदिर आई है ना, कमाल है वहां टेंशन का नहीं है। आपको आगे चल के बताते हैं। देख सकते हैं इधर का व्यू। ये है भैरव बाबा मंदिर, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं गाइस ये है भैरव बाबा जी का मंदिर। और इसके आगे जा रहा टेढ़ा माता सभी इधर माथा टेक रहे हैं और इसके बाद हम जा रहे हैं टेढ़ा माता टेढ़ा मंदिर में। अभी हम निकल चुके हैं टेढ़ा मंदिर के लिए, आप देख सकते हैं। ज्वाला माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। देख सकते हैं आप टेढ़ा मंदिर जाने का रास्ता। अरे बाबा देख सकते गाइस आप, ये रास्ता टेढ़ा मंदिर को जा रहा है। ज्वाला माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जकारा वीर बजरंग बली जी दा बोल साचे दरबार की जय। देख सकते हैं आप मेरे जंगल के राजा गाइस मैया को लेके आजा, मेरे जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, मैंने आज की प्रीत लगाई, मैंने आज की प्रीत लगाई, देख इस जग में सुनाई, ओ मेरे जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा, मेरे जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। छोटे छोटे बच्चे थे जो हम आते आ रहा है ना महामाई के दरबार में काफी की हाजिर करा दीपू भाई जी, इनकी फरमाइशें खेल की नहीं है नहीं खेल ला जय हले हले मत कर भाई मैं चाहिए दिखते भाई अच्छा अपना छोटा भाई ले जेडी यूट्यूब से कमाई आई है ना ड्रोन ने देखते हैं कितना खतरनाक रास्ता मंदिर के लिए। और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है कि रास्ता भी नहीं है कि गाड़ी गुड़ी में जा सके, इसलिए पैदल ही जाना पड़ता है। देख सकते हैं फाइनली गाइस हमने थोड़ी देर के लिए लिया हुआ है, हम थक चुके हैं काफ़ी। देख सकते हैं आप अभी हमें और चढ़ाई ऊपर, बाकी देख सकते हैं आप ऊपर हमें और चढ़ाई, अभी थक चुके हैं हम थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए बैठे हैं, आगे चल के मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस हम आगे के लिए निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है इधर।
हमारी सांसें फूल रही है, देखते हैं आप। बड़े बड़े पत्थर है रास्ते में, देखते आप। आप देखते हो ऊपर से नीचे का व्यू, काफी लंबा रास्ता है गाइस और हम थक चुके हैं अभी, लगता है हमें दूसरा स्टे लेने पड़ेगा अभी। देखते हैं आप कितने बड़े बड़े पत्थर रास्ते में। फाइनली गाइस हम पत्थर के ऊपर चढ़ चुके हैं और आप किधर का व्यू देखते हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल। ये नीचे है ज्वाला जी का बस स्टैंड और ये ऊपर का व्यू है और ये जंगलों के बीच में रास्ता टेढ़ा मंदिर के लिए। इधर श्रद्धालु आ रहे हैं नीचे से, देख सकते हैं, देख सकते हैं गाइस हम कभी के चले हुए हैं और हमारी सांस भी काफ़ी ज़्यादा फूल रही है। ज़्यादा चढ़ाई इधर, कम से कम 20-25 स्टे लेके पहुंच सकते हैं ऊपर, देख सकते हैं आप। छोटे छोटे स्टे लेके चढ़ रहे हैं हमारे आधे बंदे और आधे पीछे आ रहे हैं, देखते हैं आप। हालत तो हमारी ख़राब हो रही है गाइस, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है टेढ़ा मंदिर के लिए। देख सकते हैं गाइस अभी भी हम चल ही रहे हैं, अभी पता नहीं कितनी दूर है यहाँ से मंदिर अभी। और पीछे का व्यू भी देखते हैं आप। फाइनली गाइस हम टेढ़ा मंदिर पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आपको अंदर जाके बताते हैं, देख सकते हैं को अंदर चल के बताते हैं। ये है गाइस टेढ़ा मंदिर, देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू। आप इधर का व्यू देख सकते हैं, आपको अंदर ये है टेढ़ा मंदिर जो कि ये ऊपर से टेढ़ा है, आपको अंदर चल के बताएंगे। ये है मंदिर का मुख्य द्वार और इधर अंदर एक गुफा भी है, उसको भी अंदर लेके जाएंगे आपको, जो आपको टेढ़ा मंदिर के अंदर का व्यू बताएंगे। अंदर फोन जाना लोड नहीं इसलिए हम यहीं से बताएंगे आपको, देख सकते हैं जहाँ तक हो सकता है। अंदर जा रहे हैं लगा, देख सकते हैं अंदर ले जा सकते हैं फोन, देख सकते हैं टेढ़ा मंदिर के अंदर रखी गई मूर्तियां, श्री राम दरबार की जय हो। भक्तों को आने दो, लाइन में चलो, कतार में चलो, प्रसाद लेते चलो। अभी हम अंदर आपको गुफा में लेके जा रहे हैं, प्राचीन शीतला माता गुफा है अंदर। ये है प्राचीन शीतला माता मंदिर, दिखते हैं आप ये गुफा है उनकी। ओ,
तो गाइस अभी हम गोरख डिब्बी के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में एक दो मंदिर और आएंगे, उनको भी आपको बताएंगे। अभी हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, देख सकते हैं ये दूसरा रास्ता, यहाँ से भी आ सकते हैं टेढ़ा मंदिर के लिए। और हम इस साइड से आए हैं, देख सकते हैं आप। गाइस गाइस के गाइस 2 किलोमीटर दूर पे आए नहीं गाइस, देख सकते हैं, देख सकते हैं पकोड़े अंकल से पूछते हैं, चलिए आइए अंकल से पूछते हैं पकोड़ा क्या रेट लगाया है, आइए आइए आपको बताते हैं अंकल, पूछते हैं आइए आइए हां जी पकोड़ा क्या रेट लगाया है, कितने चाहिए आपने, 50 ले लेने 100 ले लेने, किलो कैसा आ रहा है, कितना 200 रुपया हां जी सर 200 रुपये किलो पकौड़े हैं, 100 ग्राम पकौड़े। देख सकते हैं अभी हम नीचे जा रहे हैं टेढ़ा मंदिर से, आप व्यू देख सकते हैं ऊपर से, आधी धूप आधी छांव, कितना अच्छा व्यू है। देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू, कितना अच्छा व्यू है इधर का, ऊपर से आप देख सकते हैं नीचे ज्वाला जी का व्यू कितना अच्छा है। हाँ यहाँ ऊपर से आए हुए हैं टेढ़ा मंदिर से, अब नीचे जा रहे हैं हम उतर के, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप नीचे उतर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमें। कौन सा मंदिर है, नहीं मंदिर है नहीं, रहने वास्ते बनाया। देख सकते हैं अभी भी हम नीचे जा रहे हैं, जहाँ पे ये दूसरा रास्ता मिलता है, जहाँ से हम परे वाली साइड से गए थे ये यहाँ के मिलता है, यहाँ से भी जा सकते फिर ऊपर को टेढ़ा मंदिर को। और अभी हम नीचे जा रहे हैं शीशा मंदिर में, और उसके बाद जाएंगे गोरख डिब्बी में, और उसके बाद घर, देख सकते हैं आप पैरों की तो हालत ही ख़राब हो चुकी है हमारी, लगता है छाले पड़ने वाले हैं पैरों में। और ऊपर से मंदिर का व्यू देख सकते हैं आप, जंगली जंगल है, जंगलों के बीच में ये रास्ता टेढ़ा मंदिर के लिए। देख सकते हैं फाइनली हम गाइस टेढ़ा मंदिर से नीचे पहुंच चुके हैं, ये नीचे यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है, देख सकते हैं यहाँ से टेढ़ा मंदिर को जा सकते हैं। और ये एक ये सड़क है जो कि बैरा बाबा मंदिर से आ रही है, ये सड़क यहाँ तक की आ सकती है, इसके आगे आपको टेढ़ा मंदिर के लिए पैदल ही जाना पड़ेगा। और ये यहाँ पे अब शीशा मंदिर है, और यहाँ फिर हम आगे आपको गोरख डिब्बी में ले चक ले जाएंगे, देख सकते हैं गाइस हम फाइनली शीशा मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, यहाँ से अंदर के लिए गेट है ये मंदिर का। देख सकते हैं आप पौराणिक स्थल संतोषी माता, देख सकते हैं ये और ये नहर का पानी है पीने के लिए, देख सकते हैं अकबर की नहर का पानी है। और अभी हम आपको अंदर चल के शीशा माता मंदिर बताएंगे, ये है
उड़ीसा माता मंदिर। ये शीशे के बने हुए हैं सभी। देख सकते हैं आप, और मंदिर में यहाँ के भी है माँ संतोषी जी की, और ये समाधि है सिद्ध स्वामी पूर्णवन महाराज जी की। तो फाइनली गाइस हम गोरख डिब्बी के लिए निकल चुके हैं, और आपको गोरख डिब्बी बताते हैं फिर जाके। एक मंदिर ये भी है, देख सकते हैं आप। और यहाँ से नीचे मंदिर का व्यू भी दिख जाएगा आपको, आगे चल के बताते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से मंदिर का व्यू, और ये है गोरख डिब्बी, और वो है गुफा, उसमें भी लेके जाएंगे आपको। देख सकते कितना अच्छा व्यू है सुबह का, अभी टाइम 9 बज चुके हैं। नवग्रह मंदिर है ये, अभी हम आपको गुफा में लेके चलते हैं। देखते हैं आप अंदर गुफा, बाबा जी अंदर देख सकते हैं। ये है गुफा का रास्ता अंदर, कितना गुफा है देख सकते हैं आप। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय होवे। सीधा हम आपको गुफा के बाहर जाके मिलेंगे। तो गाइस गोरख डिब्बी में काफ़ी भीड़ होने के बाद हम अभी अंदर नहीं जा रहे, आपको बाहर से दिखा देते हैं। ये है गोरख डिब्बी, अभी हम नीचे जा रहे हैं सीधे मंदिर में, और उसके बाद सीधे घर। थोड़ा सी आगे जाके बताते हैं आपको। गाइस हम नीचे पहुंच चुके हैं, ये है मंदिर का मेन गेट, और यहाँ ये रास्ता जहाँ से हम यहाँ पहुँचे। अब इसके बाद अभी हम नीचे जाए, कुछ कलाकारी भी आपको बता देते हैं। तो फाइनली गाइस हम ऊपर से आ गए हैं, ये माता ज्वाला जी का मेन गेट है, और अभी हम जा रहे हैं घर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर, तो आज के इसी ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होपफुली आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा, ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।